वो देखे मछलियां नजर आ रही हैं उसमें जो है, ये जितने भी हैं इन्होंने ड्रम लगा के उसके ऊपर जाल रखा होता है, उसके ऊपर मछलियां डाली होती हैं। ये देखे टीवी ठीक करने की दुकान है, टीवी रिपेयरिंग की, ये भी लकड़ी की बनी हुई है। ये देखें डबल स्टोरी है, ऊपर भी है नीचे भी है। ये चेक करें यहाँ का माहौल, मुझे तो जो बहुत मज़ेदार जो लगा यहाँ का माहौल जो है, गांव में जो बहुत सुकून है यहाँ का जो गांव है, जो केला यहाँ पर बहुत आम है। ये चेक करें सड़कों के ऊपर आम जो है केला आपको मिल जाएगा। कदा satu aja. Oh satu aja. Ya coba. Kalau bungkus 20 aja, 20. 20. Ya. Ini ya, देखें इस तरह की दुकान होती है यहाँ पर नाई की जो है गांव में छोटी सी। यहाँ पर जो है कुछ घर जो है सीमेंट के भी बने होते हैं, जो अब नए बने हैं, पहले के जो सारे जो लकड़ी के बने होते हैं। गांव में जो है इस तरह का माहौल कुछ जो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मेरा नाम शाद खान है और मैं आज इंडोनेशिया के एक गांव में आया हूं। मैं आपको आज की वीडियो में जो है इंडोनेशिया का एक गांव दिखाऊंगा कि यहां का गांव जो है किस तरह का होता है। जो है यहां का गांव पाकिस्तान की नस्बत जो है मुख्तलिफ होता है। यहां पर जो है सारे घर जो है लकड़ी के बने होते हैं, जो है गाँव में जितने भी घर होते हैं। और पाकिस्तान में तो गाँव में जो होते हैं ना घर इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, तकरीबन 100 होगा 150 होगा, लेकिन यहाँ पर जो है घर जो है इकट्ठे नहीं होते। यहाँ पर सड़क के ऊपर ऊपर ही होते हैं, सड़क के किनारे पर घर बने होते हैं, पीछे कोई भी नहीं होता। जो है उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो आपको पसंद आएगी। जो ये जो गांव है इस तरह दरिया गुजरता है यहाँ पर, इसके किनारे पे बना हुआ है ये जो गांव है। ये इस तरह के घर है यहाँ पर जितने भी हैं, लकड़ी के घर बने हुए हैं सारे जो है। वो पुल बना हुआ है यहाँ पर जो है, जितने भी नहाने वाला सिस्टम है सारा यहाँ पानी में नहाते हैं। यहाँ पर वो वॉशरूम बना हुआ है, टॉयलेट कह लें, यहाँ से नीचे जाते हैं वो नहा भी रहे हैं वहाँ पर जो है। यहाँ पर इसी तरह की दुकानें जो ज़्यादातर औरतें सेल करती हैं दुकानों पे, ये इस तरह के घर होते हैं। ये डबल स्टोरी है, पहले वक्तों के जो पहले ज़माने के बने हुए हैं वही घर हैं। नीचे जो है टैले वगैरह लगी हुई हैं, ऊपर इस तरह का है लकड़ी के घर होते हैं जो है। और अंदर से जो है बहुत मज़ेदार होते हैं, बाहर से देखने में ऐसे लगते हैं लकड़ी के अंदर उन्होंने टैले वगैरह लगाई होते हैं जैसे ये बाहर लगी हुई हैं। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर घर हैं सारे इसी तरह, कोई भी आपको जो है ईंटों वाला नहीं नज़र आएगा, इसी तरह पहले के बने हुए। ये देखें सारे जो है लकड़ी के। ये स्कूल है यहाँ पर, स्कूल बना हुआ है पहले वक्तों का जो है पुराना है लकड़ी का जो है, जैसे स्कूल नहीं होते गवर्नमेंट के ऐसे स्कूल है। ये देखें ऊपर नीचे से तो ईंटों का बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जो है लकड़ी का बना हुआ है। ये लिखा हुआ क्लास वन। ये जो है इनका वो मेरे ख्याल में जो इनका टीचर है उनका नाम होता है लिखा हुआ जो है। इसी तरह जो है लकड़ी के घर आपको नज़र आएंगे, स्कूल घर जो पहले के बने हुए हैं क्लास टू। मस्जिद जामे अल फुरकान। जितने भी घर हैं यहाँ पे लकड़ी के नज़र आएंगे। और यहाँ पर जो घर हैं पाकिस्तान में तो एक गांव होता है ना कि काफ़ी 100 या 100 से ज़्यादा घर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर जितने भी इसी तरह सड़क के किनारे पे होते हैं, पीछे इसके कोई घर नहीं है, पीछे ऐसे जंगल की तरह ही है, दरख्त वगैरह है, सिर्फ ऐसे सड़क होती है बनाई हुई, उसके ऊपर जो है सिर्फ सड़क के ऊपर ही होते हैं इनके जो घर एक बने होते हैं, पीछे कोई नहीं होता, पीछे कोई दुनिया नहीं होगी।
इस तरह की दुकानें होती हैं छोटी छोटी गांव में बनाई हुई है। ये दुकान चेक करें, घर आपको कोई भी नहीं नजर आएगा जो दूसरा, सब लकड़ी के यहाँ पर। इस तरह ये जो है गांव के लोग, जो लोग हैं ना, यहाँ इकट्ठे होके रात को बैठते हैं, सिगरेट वगैरह, सिगरेट वगैरह जो है। ये टीवी लगा हुआ है बाहर ही है, देख लें सड़क के ऊपर। इस तरह जो मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो आके बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं रात को जो है, गप्पे शप्पे लगाते हैं यहाँ पर। हर गांव में जो है इस तरह का बना होता है जो है बैठने के लिए, लोगों के टीवी लगा होता है बाहर ही, कोई भी उठा के नहीं लेके जाता जो है ना। यहाँ पर जो है कुछ घर जो है सीमेंट के भी बने होते हैं, जो अब नए बने हैं, पहले के जो है सारे जो लकड़ी के बने होते हैं। गांव में जो है इस तरह का माहौल, कुछ जो है इस तरह के जो है, यहाँ पे गांव काफी किस्म के हैं। कई तो गांव में लोगों ने गाड़ियां वगैरह रखी हुई हैं जो है, और कई गांव ऐसे हैं सिंपल से हैं बिल्कुल जो है। इस तरह का माहौल होता है यहाँ का जो है, गांव का जो है। यहाँ पर जितने भी घर आपको सड़क के किनारे पे नजर आएंगे जो है, जितने भी हैं, कोई भी घर जो है इकट्ठा पाकिस्तान की तरह नहीं नजर आएंगे कि 100 घर इकट्ठे हैं या 200 घर इकट्ठे हैं। इसी तरह सड़क के ऊपर ऊपर जो है कुछ देखें, ये जब जो अब लोगों ने नए बनाए हैं वो सीमेंट के बने हुए हैं। हाँ, ये लकड़ी के हैं, और नीचे जो है टहल लगी होती है जो इसमें जो है घर में टहल लगाई होती है, टहले वगैरह। यहाँ टहल कहते हैं इसको जो है, हमारे टहले कहते हैं। या बेसिक आप पे तो या का या तो ग्रोथ ओम साहिब खान ओम साहिब खान कदा इन्हें ना, ये देखें जो है घर यहाँ के। ये इसके पीछे दरिया छोटा सा जो गुजर रहा है, उसके ऊपर जो इस तरह के बने होते हैं जो है, ये इस तरह के घर होते हैं यहाँ पे। ये मछलियाँ रखी हुई हैं जो दिखाता हूँ आपको जो है, वो देखें मछलियाँ नजर आ रही हैं उसमें जो है। ये जितने भी हैं इन्होंने ड्रम लगा के उसके ऊपर जाल रखा होता है, उसके ऊपर मछलियाँ डाली होती हैं। ये देखें नीचे चली गई हैं वो थोड़ी सी जो ना, इसी तरह होती हैं आते आते। ये जो दरिया होता है, दरिया में जो पानी है ना, उसके ऊपर इन्होंने ड्रम लगा के, ये इस तरह ड्रम लगाए होते हैं, ड्रम के ऊपर जाल लगाया होता है, जाल के ऊपर मछलियाँ होती हैं। जब इन बड़ी हो जाती हैं ऐसे जाल को जो इकट्ठा कर लेते हैं और जो मछलियाँ निकाल लेते हैं यहाँ से। ये दरिया जो काफ़ी लंबा है जो है, काफ़ी दूर तक जाता है, जहाँ तक भी है। लोगों ने इस तरह दरख्तों के साथ, ये देखे ना, रस्से के साथ इसको बांधा होता है। जब बारिश ज़्यादा होते हैं या ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है जो है जाल वगैरह जो है, क्योंकि ड्रम लगे होते हैं ना नीचे। ये जो अब नए घर बने हैं वो सारे इस तरह के हैं जो है, लकड़ी के बने होते हैं पहले के जो है, अब के जो है वो सीमेंट के बने हैं जो नए हैं। अब जितने भी नए बन रहे हैं ज्यादातर जो सीमेंट के हैं और लकड़ी के भी हैं। ये भी लकड़ी का बना हुआ है जो है। ये चेक करें यहाँ का माहौल, मुझे तो जो बहुत मज़ेदार जो लगा यहाँ का माहौल जो है, गांव में जो बहुत सुकून है यहाँ का जो गांव है,
जो केला यहाँ पर बहुत आम है, ये चेक कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, आम जो है केला आपको मिल जाएगा। और घर जो इसी तरह जो लकड़ी के आपको ये नजर आ रहे हैं, इसी तरह जो है गाँव में, ये इधर देखें पीछे दरख्त वगैरह, गाँव में जो घर हैं सिर्फ इसी तरह किनारे के ऊपर ऊपर ही आपको नजर आएंगे। ये टीवी ठीक करने की दुकान है, टीवी रिपेयरिंग की, ये भी लकड़ी की बनी हुई है, ये देखें डबल स्टोरी है, ऊपर भी है नीचे भी है। ये केले आम है यहाँ पर सड़कों के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ये देखें घर है पीछे, सीमट के भी बने हुए हैं जो अब लोगों ने बनाए हैं, लकड़ी के भी हैं सीमट के भी हैं। ये देखें जो है लकड़ी वगैरह के घर भी बने हुए हैं यहाँ पर, सीमट के भी हैं। यहाँ पर जो है बहुत सुकून है जो है गांव में जो है। ये नाई की दुकान है या, ये देखें इस तरह की दुकान होती है यहाँ पर नाई की जो है गांव में छोटी सी। ये अमरूद वगैरह है, फल यहाँ पर हर किस्म का मिल जाता है जो है, अमरूद के दरख्त हैं यहाँ पर। ये भी सीन है कि या यहाँ पर ये भी सीन है कि जिसका फल हो वही तोड़ता है, कोई और नहीं जो है, जिसके घर के सामने हो उसी ने तोड़ना होता है, केले हो कुछ भी हो। ये इस तरह के घर होते हैं जो है गांव में, इस तरह का माहौल होता है। ये पता नहीं क्या सेल कर रहे हैं, कोई देखते हैं कुछ लेते हैं इनसे जो है। लेकिन वीडियो या di mana bikinnya, Pak? Untuk di YouTube. YouTube. Ya. Apa namanya ini? Jengkol. 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 Itu berapa? 10.000. 10.000 mau coba kah? Ya mau beli. Oh iya. Ya. Bungkus apa makan di sini? Bungkus, bungkus. Tapi coba dulu lah di sini lah. Dari mana? Dari sini Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Asalnya? Asal dari Pakistan. Pakistan. Ya. Coba dulu tesi. Ya. Gratis. Karena satu aja. Oh, satu aja. Ya, coba. Kalau bungkus 20 aja, 20. 20. Ya. Banjarbarunya di mana, Pak? Banjarbaru. Sini Sungai Sipai kan? Oh, Sungai Sipai di anu Candialus. Rumah ya. 1.000. Enggak. Sungai Sipai Jalan Taruna Praja. Iya, itu. Iya. ये यहाँ पर गांव में बनाते हैं जो है, पता नहीं क्या इसका नाम है, ये देखें नारियल वगैरह रखे हुए हैं, ये नारियल है नारियल के साथ, और इसके अलावा जो है coba itu ya, ini 20.000 ya, 20.000 bungkus ya. Sendirian ya, sendirian aja kan? Ya ada istri itu. Oh, suruh keluar. Istri. Ya. Coba dulu jengkol. Taruh apa? Jengkolnya. Jaring, jaring namanya jaring. Ya. Kalau bahasa Banjar. Bau ada kok di sini ada jangsulannya. Ada, Om Miki, Bang Miki mau madang, Bang Ahang, mau madang. Enak. Kita diam sini. Coba. Enak. Ini minumnya. Ya, kasih. Iya. Ini jo hamne le liya jo hai. तकरीबन 200 के पता नहीं क्या चीज़ है, घर जाके अब चेक करेंगे खाएंगे। ये इस तरह की, इस तरह का सीन है या। ये इस तरह का होता है जो है, उन्होंने आग लगाई हुई है उसके नीचे जो है, ये लकड़े वगैरह रखी हुई है। इसी तरह के घर जो है सारे नजर आएंगे इससे। ये घर के पास में जो है कब्रिस्तान भी, कब्रें वगैरह बनाई होती हैं जो है। बहुत मज़ेदार माहौल है जो है यहाँ का जो है ना गाँव का। इस वक्त जो है इंडोनेशिया में जो है इसकी चावल की कटाई का जो है मौसम है जो है, सितंबर का महीना है। ये देखें ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर जो है, पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं। ये जो बनाया हुआ है सीमेंट का जो है, जब ये यहाँ बारिश का मौसम होता है तो यहाँ सारा पानी भरा होता है ये ऊपर तक जो है, ये फिर यहाँ से लोग चलते हैं इसके ऊपर जो है। ये बच्चे यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं जो है।
Ya. Ya. Sudah kah? Sudah itu. Ya. ये पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे जो है ना शाम का टाइम है यहाँ पर जो है अच्छा माहौल बना हुआ है जो है ना ये चेक करें जो है चावल का जो यहाँ पर सीन है ये ऊपर से जो है उतार लेते हैं जो है हाथ से सारा उतारते हैं जो है हार्वेस्टर वगैरह से कोई नहीं हाथ के साथ ही सारा काट के उसको मशीन होती है छोटी सी उसके साथ जो है करते हैं जरी दवाइयाँ उनका लगाया हुआ है जो है विटामिन ता नमन एग्री मोर ये चाचा जी चेक करें साइकिल पे जो है चावल लेके आ रहे हैं जो है मूंजी कह लें मूंजी लेके आ रहे हैं जो है काफी दूर से जो है ना साइकिल पे यहाँ पे साइकिल अभी भी चलते हैं जो है काफी लोग जो है साइकिल पे साइकिल यहाँ पे अभी काफी लोगों ने रखे हुए जो गांव के लोग हैं वो ज्यादातर साइकिलों पे जाते हैं आगे पीछे जो है उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी अल्लाह हाफिज़।